दोस्तों मिस्टर परफेक्शनिस्ट का क्या कहना, मतलब आमिर खान सर का क्या कहना, इंडिया में तो उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस करती ही करती हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों चाइना में। चाइना में आमिर खान सर की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं और ट्रेमेंडस बिजनेस किया है फिल्म ने। तो चलिए आपको लेकर जाता हूं चाइना और बताता हूं कि हमारे आमिर खान सर की फिल्में कितना ज्यादा धमाल मचाई है वहां पर। मैंने 5 फिल्मों की लिस्ट बनाई है दोस्तों, और इनको जो मैंने डिवाइड किया है वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग का खिताब मतलब मैं दूंगा 1 से लेकर 5 तक। 5वें नंबर से शुरुआत करता हूं। तो 5वें नंबर पर आती है आमिर खान सर की फिल्म 3 इडियट्स। दोस्तों 3 इडियट्स राजकुमार हिरानी ने बनाई थी। 2009 में ये फिल्म आई थी इंडिया में दोस्तों, और इसने चाइना में ट्रेमेंडस बिजनेस किया था। आमिर खान की फिल्म जो मतलब आमिर खान का जो नाम जो चल रहा था ना चाइना में, वो 3 इडियट्स से शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों। 4th नंबर पर आती है दोस्तों धूम 3 दोस्तों, जिसमें आमिर खान सर जो है डबल रोल में थे, मतलब एक भाई बने थे वो बेसिकली, एक थोड़ा सा हकलाता है एक थोड़ा सा परफेक्ट है। तो अच्छी फिल्म थी ये, आमिर खान ने जबरदस्त एक्शन दिखाया था, बॉडी दिखाई थी, डांस दिखाया था। हमारी कैटरीना भी थी इस फिल्म में। विजय कृष्णा आचार्य ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया चाइना में। उसके बाद दोस्तों 3rd नंबर पे है कौन सी फिल्म, अरे पीके हैं का। जी हाँ, राजकुमार हिरानी की फिर से फिल्म आई दोस्तों 2014 के एंड में, दिसंबर में, और इस फिल्म ने चाइना में ट्रेमेंडस बिजनेस किया, सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। मतलब हर जगह सब आमिर आमिर, और आमिर खान को वहां पे लिटरली इतना ज्यादा सपोर्ट और प्यार मिलता है क्योंकि चाइनीज जो है वो कंटेंट बेस्ड सिनेमा ज्यादा देखते हैं। 2nd नंबर पे पता है कौन सी है, सीक्रेट सुपरस्टार। यार अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि सीक्रेट सुपरस्टार रिलीज हुई है, और विद इन 3 दिन फिल्म ने, सीक्रेट सुपरस्टार ने 175 करोड़ कमा लिए वहां पे दोस्तों। सोचिए आगे क्या जंप मारी है फिल्म ने, मतलब यू कांट इवन इमेजिन। और आपको एक हैरानी की बात बताता हूं, इंडिया की फिल्म है और इंडिया के अंदर ही फिल्म ने 100 करोड़ नहीं कमाए, और जबकि बाहर चाइना में इसने मतलब अमेजिंग ट्रेमेंडस बिजनेस किया है दोस्तों। वाओ। 1st नंबर पर समझ ही गए होंगे आप कौन सी फिल्म है, अरे दंगल नितेश तिवारी की दोस्तों। ये फिल्म थी 2016 में, वहीं दिसंबर के महीने में ही हमारे आमिर खान आते हैं। तो आमिर खान ने 2016 में हमें दंगल दिखाई, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट बढ़ाया फिर घटाया। तो मतलब फिल्म जो है विमेन एम्पावरमेंट को लेकर एकदम बढ़िया फिल्म थी दोस्तों, आज तक उस फिल्म की मिसालें दी जाती हैं। तो दोस्तों ये तो थी मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान सर की वो फिल्में जिन्हें मैंने कमाई के हिसाब से चाइना में 1st पोजीशन पे डाला और 5th पोजीशन पे डाला। आपको क्या कहना है मिस्टर परफेक्शनिस्ट की इन फिल्मों के बारे में? क्या आपको भी प्राउड फील होता है कि आमिर खान सर की फिल्में इतना अच्छा बिजनेस कर रही हैं वहां पे? अब देखो, अब आमिर खान का तो डेब्यू हो गया वहां पे, अब बारी है हमारे भाईजान सलमान खान की 2nd मार्च को। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि फ्यूचर में क्या लिखा है भाईजान के लिए। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि फिल्म ट्रेमेंडस बिजनेस करे, और बजरंगी भाईजान का जो नारा है बजरंगी भाईजान, ये हमारे चाइनीज लोग भी चाउमीन खाते खाते बोले। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एंड फिल्मी अपडेट्स के लिए यार मैं हूं ना राहुल भोज, और क्या।